जाएंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे देवप्रयाग से जाने दीजिए। अनिल मुझे पूरा भरोसा है कि आप श्लोक और दुआ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। चाहत नहीं, एक बार तुम्हें खोकर देख चुका हूँ चाहत, दोबारा नहीं चाहत। तुम्हारे बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं। मुझे जाना होगा। नहीं नहीं मुझे जाना होगा। नीला का हाथ कट गया है। नीला मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हैं? मुझे जाने दीजिए। एक शर्त पे जाने दूंगा तुम्हें मैं। इस फोटो फ्रेम पर हम दोनों का खून लगा है, तुम्हें अलग होना है ना मुझसे, तो अपने खून को मेरे खून से अलग करके दिखाओ और जाओ यहां से। दिखाओ। नहीं हो सकता ना, नहीं कर सकती ना, तो छोड़ के जाने की बात कैसे कर रही हो तुम? चाहत, वो परिवार, वो घर हम दोनों के खून से बना है। तुम उस घर की बहू हो, तुम उस घर की बेटी हो, तुमसे वो परिवार है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और ये बात व्यास जी को माननी होगी। चाहत, इसका अंजाम चाहे कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर सहेंगे ना, हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे ना चाहत। बहू रानी को बुलाइए। क्रिया के अनुसार बहू और बेटी को ही माधारी का स्वरूप मानकर उन्हीं के शुभातौर व्यास जी के माथे पर त्रिशूली तिलक लगाया जाएगा। अब वो सफेद छिपकली व्यास जी को तिलक लगाएगी। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि धर्म कार्य दूसरे धर्म वाले लोग करेंगे। जो आ गया महाचार्य जी। तिलक लगाने के लिए मैं चंदन लेकर आई हूं। पिछले कुछ वर्षों की बीमारी के दौरान कितना कुछ हो गया पर मुझे अब पता चल रहा है। जीती रहे अलकनंदा, नीलकंठ ने तुझसे ब्याह करके एक योग्य जीवन साथी का चुनाव किया। सरस्वती के जाने के बाद इस परिवार में जो शून्यता आ गई थी उसे नीलकंठ की बुआरी ने पूरा कर दिया। लेकिन दादू की बहू तो माँ है। चलो, दादू की तबीयत ठीक करने के लिए हम ये नाटक कर रहे हैं, ठीक है? अपने स्वराज का तिलक कीजिए। जी बाबा। ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी वो है जिससे मैंने सालों पहले शादी की थी, जिससे मेरे एक नहीं दो दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मतलब मेरी पत्नी का नाम है चाहत बेग ध्यानी। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरा परिवार है। खबरदार व्यास जी के पास फटकी भी तो और लाटे तू। व्यास जी को सदमा देकर ही माना ना, और कितना कष्ट देगा अपने भगवान समान पिता को नीलकंठ।
बहुत लांछन लगा है ना तूने मुझ पर। तूने कभी अपने गरेबान में जाकर देखा? कब तक नीलकंठ? कतब ध्यानी परिवार के रक्त को इसी तरह से तू बेइज्जत करता रहेगा। सौराजी इस शहर के सबसे बड़े धर्म के ध्वज रक्षक हैं, और ये जानते हुए भी तू ये पराया धर्म वाली लड़की को इस घर में ले आया। ऊपर से तू ये अपेक्षा भी रखता है कि सौराजी उन बच्चों के साथ खेले जिनके रक्त में पराये धर्म का भी रक्त मिला हुआ है। शायद तू ये बात भूल गया है कि सौराजी ने हमेशा हमेशा रिश्तों से ऊपर धर्म को रखा है, धर्म को मान दिया है, और आज भी वैसा ही होगा नीलकंठ। लगता है बुड्ढे को बिल्कुल याद नहीं कि उसके सर पर पत्थर मारकर उसे नदी में फेंकने वाला तो मैं ही था। आप सभी लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि मैं आलेख नौटियाल प्रमुख बन के इस मंदिर की वर्षों तक सेवा करते आया। लेकिन ये दूसरे धर्म वाली ने आते मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, लांछन लगाना शुरू कर दिया। अंत में हुआ क्या महाचार्य जी? जीत किसकी हुई? सत्य की। कानून ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन आपके महंत की पदवी पर कलंक लगाने वाली इस औरत को क्या आप लोग छोड़ देंगे? निकाल कर बाहर फेंक देंगे इसको। हाँ जरूर निकालेंगे इसको, बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। तो आओ भाइयों, इस औरत को धक्के मार के इस घर से निकालें। खबरदार, अगर किसी ने चाहत को छुआ भी ना तो जान ले लूंगा, समझा? ए, 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 नीलकंठ, ए, आज ये लोग नहीं रुकेंगे। इस लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा मैं। इस औरत का योग्य स्थान क्या है? मैं बताता हूं। इसी के योग्य है ये, सम्मान के, आशीर्वाद के, नमन के योग्य। बाबा ये क्या कह रहे हो? तुझे देख के मैं इसीलिए अचंभित हो गया था, मैं पुरानी यादों से गिर गया था। इस तरह तूने सड़क से उठा के मेरी सेवा की, मेरे आंसुओं को पहुंचा तूने। बेटी है लेकिन मां बन के मेरे जीवन को आधार दिया तूने। अगर नहीं करना मैंने पूछा बहुत मार दूंगा।
आज मैं अगर जीवित हूँ तो इसी की मेहरबानी से। यही वो देवी है जिसने मुझे जीवन दान दिया है। अपने निस्वार्थ सेवा भाव से इसने मुझे सिखाया है कि मनुष्यता धर्म से कहीं ऊंची होती है। ईश्वर की राह पर चलने को धर्म कहते हैं, लेकिन मनुष्यता ईश्वर की अंगुली पकड़कर चलने के समान है। सोरा जी, आपको क्या हो गया है? महंत पद की पावन गति पर बैठने वाले धर्म के महागुरु, आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। लेकिन सोरा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पराये धर्म वाले को, इस घर की बहू, हम सब नहीं मान सकते। क्यों भाई हो? एक धर्मगुरु होने के नाते इस पदवी की ओर मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, लेकिन अपने परिवार के प्रति भी मनुष्य का कर्तव्य होता है, और मैंने सारा जीवन अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का दुर्लक्ष किया। मेरे जीवन के पिछले कुछ वर्ष उसी दुर्लक्ष का दंड रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि अपना बाकी का जीवन अपने परिवार को, अपनी बहू को, अपने पोता पोती को समर्पित कर दूं। आपसे विनती करता हूं महाचार्य, मुझे इस पदवी के भार से मुक्त कर दीजिए। लेकिन बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं निर्णय ले चुका हूं नीलकंठ के बारे। अब आपने जब निर्णय ले ही लिया है तो मैं आप पर दबाव नहीं बनाऊंगा। महाचार्य जी, अभी तो आप ये दायित्व तो मुझे सौंप सकते हैं, क्योंकि अब कानून और पुलिस की नजर में ये स्पष्ट हो चुका है कि मैं अपराधी नहीं हूं। अपराधी है ये। तू कानून की आंखों में धूल झोंक सकता है आलिक, लेकिन मैंने तेरे पापों को अपनी आंखों से देखा है। मेरी सरस्वती ने जीवन भर इस मंदिर की, इस गांव की सेवा की, उसका हत्यारा ये क्या क्षमा के योग्य है? सरस्वती दीदी का तेरे को नहीं छोड़ेंगे हम। हम नहीं छोड़ेंगे। क्षमा चाहता हूं आचार्य जी, आपको कष्ट दिया। चलता हूं व्यासी, अपना ख्याल रखना। आप भी आइए। मैंने भक्त से आपकी हमेशा शिकायत की, और उस शिकायत को आपने गलत साबित कर दिया व्यास जी। चाहत, व्यासी को ऊपर लेके जाओ। चलिए बाबा। नहीं नीलकंठ, ऐसे नहीं।
वारी का गृह प्रवेश होगा, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। इसका गृह प्रवेश वैसा होगा जैसा मैंने सोचा। नीलकंठ, वारी को ले आ। अरे जमुना की वारी, आरती का थाल ले आ। जी व्यास जी, आ रही हूँ। ये लड़की जो आज मेरे घर की दहलीज लांघने जा रही है, इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन इसने हर रिश्ते के प्रति अपने धर्म का बड़ी श्रद्धा से निर्वहन किया। मैं आज तक यही समझता था कि मनुष्य का अस्तित्व उसकी पहनावे, उसकी बोली, उसके रीति रिवाजों से होता है। लेकिन इसने अनेकों बार सिद्ध किया कि हर रिश्ते के प्रति सच्ची श्रद्धा ही इसका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को कभी मत बदलना बेटा। मैं कहता हूं तुझसे, तुझे अपने विषय में कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। भारी जिन संस्कारों में रची वसी तुझ घर में आई थी, तुझे उन्हीं संस्कारों में जीने का पूरा अधिकार है। चलो। क्या हुआ? माँ अंदर आइए, दादू आपको अंदर आने बोल रहे हैं। आओ ना चाहत। मैं जानता हूँ इसे अंदर आने से क्या रोक रहा है। वो वचन जो 7 साल पहले मैंने इससे लिया था। मैं तुझे ऑपरेशन करने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे नीलकंठ को हमेशा के लिए छोड़कर उसे दूर जाना होगा। अगर तू सच में अपने वचन का मान रखना चाहती है तो ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के चली जा। मैं तेरा भी गुनहगार हूँ नीलकंठ। इसने तो मेरे वचन का मान रख लिया, लेकिन मेरी कठोरता ने मेरे अपने ही बेटे के जीवन को तबाह कर दिया। मुझे क्षमा कर देना नीलकंठ। मैं तेरी बुआरी को वचन मुक्त करता हूं। अंदर आजा बुआरी। सबसे पहले तुम अपना मुंह मीठा करो। कांग्रेचुलेशन।